का दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट, और ये है कॉर्पोरेट अकाउंट, जिसका जो पब्लिकेशन है केजी पब्लिकेशन है। चैप्टर चल रहा है 12 चैप्टर में चलेगा वैल्यूएशन शेयर के अंदर। देख सकते हैं, फोकस हो जाओ भाई। हाँ, वैल्यूएशन शेयर में चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो भाई शिवानी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बैलेंस शीट में दे रखा है? शेयर कैपिटल दो तरह दे रखी है, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी और प्रेफरेंस की क्वेश्चन करने के लिए आपको एग्जांपल नंबर 9 की हेल्प लेनी पड़ेगी, और प्लस थ्योरी का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि 12.4 पेज पे लिखी हुई है कि अगर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों दे रखे हो शेयर, तो प्रेफरेंस वाले को कौन कौन सी प्रायोरिटी हो सकती है, उसके हिसाब से कैसे कैसे करना पड़ेगा। बाकी इसे यूज़ करके दिखाते हैं। यहाँ पे 1000 प्रेफरेंस शेयर हैं 12% वाले, और 100 रुपये उसकी कीमत है, तो शेयर कैपिटल कितनी हुई यहाँ पे 1,00,000। और यहाँ पे 15,000 इक्विटी शेयर हैं और 10 रुपीज़ वाले, और कितनी कीमत है 1,50,000। आगे बढ़ो, करंट लाइबिलिटी, हाँ करंट लाइबिलिटी कितनी है, सरेंडर लाइबिलिटी, और सरेंडर एसेट्स 3,00,000। नीचे पढ़ो, और बाकी रिमेनिंग, ठीक है, अनरिकॉर्डेड मतलब एक लाइबिलिटी थी जिसको अनरिकॉर्डेड रह गई, अभी तक लिखी नहीं गई, लिखना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, उसे माइनस तो करना पड़ेगा लाइबिलिटी के नाम पे। आगे नाउ मैच्योर फॉर पेमेंट, ठीक, तो यहाँ बोला गया है यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं है, ना तो कैपिटल की ना डिविडेंड की। तो एग्जाम्पल अगर 9 देखोगे तो वहाँ पे सेकंड पॉइंट से सॉल्व करने का मिलेगा, जहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं है, ना तो कैपिटल की ना ही डिविडेंड की। कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ में आया पॉइंट कि 4 पॉइंट में से इसमें कौन सा पॉइंट यूज हो रहा है? ठीक है, बाकी क्वेश्चन ईजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, ठीक। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन, सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में जो हमने एग्जांपल देखा था उसके अंदर 4 पॉइंट थे, पहले में दोनों को प्रायोरिटी थी कैपिटल उसकी, सेकंड वाले में कोई प्रायोरिटी नहीं थी, थर्ड वाले में कैपिटल थी, फोर्थ वाले में डिविडेंड की थी, इस तरीके से। तो अभी हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। तो एग्जाम्पल 9 जरूर देखना इसे करने से पहले, सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं। तो नेट एसेट्स लिख हो गया, अब हमें लिखना है सन्ड्री एसेट्स। और बेटा सन्ड्री एसेट्स के लिए लिखा, 2 पार्ट लिखे इसने यूज करने के लिए। क्या बोला था, 50% सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू जो कि 10% मोर देन है, और किसी बाकी, हाँ बाकी उसकी कितनी है 5% लेस देन है। तो कैसे करेंगे बेटा, एसेट्स है हमारी 3,00,000 है ना, तो 50% ऑफ 3,00,000 कितना होता है, 1,50,000 होता है ना। इसमें आपको कितना प्लस करके दिखाना है, 10% ऑफ 1,50,000, इस 1,50,000 का 10% प्लस करके दिखाना है, क्योंकि कीमत बढ़ रही है इसकी, मोर देन बुक वैल्यू। तो 1,50,000 में 1,50,000 का 10% जो कि कितना बैठता है 15,000, प्लस करके कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही बोला आपने। बाकी 1,50,000 कितने बचे, बाकी के 1,50,000, 50% ऑफ 3,00,000 जो कि कितना होता है, 1,50,000 होता है, इसकी वैल्यू क्या है 5% लेस मानी गई, तो 5% ऑफ 1,50,000 निकालो कितना होता है, 4,500 होगा करीबन, नहीं 7,500 होगा, 7,500। तो 7,500 से माइनस कर दो, 1,50,000 में 7,500 माइनस करो, 142,500 आएगा। ठीक है, ये हमारी एसेट्स है, ये एसेट्स थी 3,00,000 की, जिसके 2 टुकड़े किए गए, एक तो 50% में 10% जोड़ना है, एक 50% में 5% माइनस करना है। चाहो तो ऐसे एरो करके भी देख सकते हो, ये 3,00,000 की एसेट्स थी, 2 टुकड़े किए, 50 और 50, तो ये 50 कितना हुआ 1,50,000, और ये 50 कितना हुआ 1,50,000। इस वाले में हमें प्लस करके दिखाना 10%, तो 15,000 प्लस कर दिए, 1,65,000 हो गया। इस वाले में 5% माइनस करना है, 5% माइनस करना है 7,500, तो कितना हो गया 142,500। अब कैसे भी देख सकते हो, इस वाले तरीके से सीख लो या वहाँ कर लो, एक ही चीज़ है। यहाँ प्लस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी,
एसेट्स की, और तो कोई एसेट्स है नहीं करना भाई, चल पीछे कैलकुलेटर करना चाहते हो देखो यार, 3,07,500। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये हमारी ग्रॉस रियल एसेट्स आ गई, ग्रॉस रियल एसेट्स। ठीक है, अब लेस करेंगे हम लायबिलिटी। ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या आएगा? एक तो था हमारे पास संडी क्रेडिटर, संडी लायबिलिटी है ना, संडी लायबिलिटी 50,000 आ गया, और एक थी हमारी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो अचानक से उत्पन्न हुई और इसको मैच्योर कर दिया कि पेमेंट होने के लिए तैयार है, तो कितनी थी वो? 2,500। और कोई लायबिलिटी इसके अलावा जो मैं लगता कि हाँ अब पेमेंट करना है? 52,500 आ गया, माइनस करो। दो लाख पचपन हजार हमारा आ गया नेट एसेट्स। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब जो एग्जांपल देखा था वहां पे दोनों शेयर की प्राइस सेम थी, समझने वाली बात यह है, वहां पे दोनों शेयर 100 रुपए के थे, यहाँ पे क्या है, एक 100 रुपए का, एक 10 रुपए का, अमाउंट में डिफरेंस है ना। जब अमाउंट में डिफरेंस होता है तो हम कैपिटल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैपिटल। ये वो है फर्स्ट टाइप वाला, जैसे हमने फर्स्ट वाले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन किए थे, वहां इक्विटी शेयर दो टाइप के मिलते थे, एक 10 का, एक 5 का, कभी कभी 2 का भी मिला है। तो उस केस में हम कैपिटल को जोड़ के यूनिट वैल्यू निकालते थे, स्टेप 1 स्टेप 2। अब भी वही लगभग करना है, क्योंकि हमें प्रायोरिटी क्या बोला, प्रायोरिटी तो है ही नहीं, ना तो कैपिटल की प्रायोरिटी है ना डिविडेंड की प्रायोरिटी है। जब कोई प्रायोरिटी नहीं है तो दोनों ही सेम है। जैसे अभी एग्जांपल दिया था, एक घर में दो भैया, एक इक्विटी शेयर एक प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी वाले को प्रायोरिटी नॉर्मली होती है कि कैपिटल पहले मिल सकती है उसको और उसको डिविडेंड भी पहले मिल सकता है, लेकिन अभी वो प्रायोरिटी नहीं है तो दोनों भैया एक जैसे सेम टू सेम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नो प्रायोरिटी वाला सॉल्व करेंगे पोर्शन। तो उसके लिए हम स्टेप वन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू डाउन अलग अलग है, 2,100 रुपये की 10 रुपये, इसमें डिफरेंस होने से स्टेप वन यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल। क्या था इसका फॉर्मूला? यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल का नेट एसेट्स अपॉन पेड अप वैल्यू, पेड अप कैपिटल है, पेड अप वैल्यू है ना, टोटल कैपिटल लिख दो। ठीक है, तो बेटा नेट एसेट्स तो 2,55,000 आ गया, 2,55,000। अगर पेड अप वैल्यू चेक करूं तो कितनी है, एक की तो है 1,00,000, एक की है 1,50,000, 1,00,000। हाँ, क्योंकि हमें दोनों के प्राइस निकालने हैं इसके। अब दो कोई प्रायोरिटी तो है नहीं, सेम टू सेम है। अगर सपोज करो, सुनो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे 10 रुपये एक पे 100 रुपये लिखे, दोनों के 100-100 रुपये होते तो मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर रहा होता, जैसे एग्जांपल में किया था, नंबर ऑफ शेयर दोनों जोड़ता 1,000 और 15,000, 16,000 आते। अब दोनों के शेयर की प्राइस सेम नहीं है तो कैपिटल को प्लस कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड किया, क्वेश्चन में थर्ड याद हो, उसमें 3 तरह के शेयर थे, 1,10 का, 1,5 का, 1,2 का, जो उस दिन छुट्टी पे थे निकाल जाए, तो उसमें हमने क्या किया, उनकी कैपिटल को नीचे प्लस किया और फिर डिवाइड किया, यूनिट वैल्यू आई, फिर मल्टीप्लाई 100 से एक बार 10 से ऐसे कर लिया था। तो ऐसे ही अभी हमें करना है। 1.02 कितना आया, 1.02 का, कुछ और भी लिखा है क्या? ठीक है, 1.02 ये यूनिट वैल्यू आ गई। अब वैल्यू पर शेयर निकालने फॉर्मूला क्या है, वैल्यू पर, इसे यहां लिखता हूं थोड़ा सा, इसे खुला खुला दिखा देगा, वैल्यू पर शेयर क्या आता है सर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर इनटू यूनिट वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे शेयर कितना है आपका, है 100 रुपए का और 10 रुपए का, पहले प्रेफरेंस शेयर है ना, तो यहाँ लिखूंगा वैल्यू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर। कितनी वैल्यू थी, 100 रुपए थी ना, पेड अप वैल्यू की जगह 100 रुपए लिख दिया। यूनिट वैल्यू कितनी आई, 1.02 मल्टीप्लाई कर दो। फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के लिए कितना, 10 रुपए है इंटू 1.02 आ गया, तो 10 रुपए 20 पैसे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 102 रुपए आएगा। ये भी हम उस हालत में कर पाए जब प्रायोरिटी नहीं है। अगर प्रायोरिटी होती भाई, तो 4 पॉइंट है, हाँ अलग हो जाता। फिर नेट एसेट्स में हम प्रायोरिटी जिस चीज की होती, जैसे कैपिटल की प्रायोरिटी है तो कैपिटल को माइनस करते, फिर जो बचता फिर इतना काम नहीं करना पड़ता। फिर हम कैपिटल को माइनस करते, इक्विटी के लिए समान आता, इक्विटी वाले नंबर से डिवाइड करता, आंसर आ जाता। प्रेफरेंस वाले कैसा था, जो मैंने माइनस किया उसको प्रेफरेंस शेयर से डिवाइड करता, तो उसका आंसर आ जाता। यहाँ प्रायोरिटी नहीं है तब ऐसा हुआ है, उसमें भी कैटलिस्ट मिल गया कि हमारे जो शेयर के प्राइस है चेंजेस हैं, 1 के 100 हैं 1 के 10 हैं, जबकि एग्जाम्पल में क्या लिखा था, दोनों के 100 रुपये थे। इसलिए उस एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ा। अगर प्रायोरिटी होती तो फिर अलग करना पड़ता, जिसकी प्रायोरिटी है वो नेट एसेट्स में माइनस करनी पड़ती। अभी नेट एसेट्स इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए है, अपने डाउट क्लियर कर लो। ये नेट एसेट्स इक्विटी के लिए भी है इसमें, और प्रेफरेंस के लिए भी है। अगर प्रायोरिटी प्रेफरेंस वालों को कैपिटल की होती तो कैपिटल माइनस करता इसमें से, फिर जो बचता वो नेट एसेट्स किसके लिए बचता, इक्विटी वालों के लिए। और इक्विटी वाले नंबर कितने दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, 15,000 है, कितने हैं, 15,000। हाँ, तो फिर उस आंसर को 15,000 से डिवाइड करते, हमारा इक्विटी का आंसर आ जाता। तो फिर यही काम फिर हम प्रेफरेंस के लिए करते तुम्हारा, फिर हम नहीं दोबारा नहीं करते, फिर जो हमने माइनस किया है जितना अमाउंट उसको साइड में रखते, उसे प्रेफरेंस शेयर से नंबर से डिवाइड करते, तो प्रेफरेंस शेयर का आंसर आता। प्रायोरिटी वाले केस में ऐसा करना पड़ता है। आप एग्जाम्पल 9 को बिल्कुल ढंग से फिर से एक बार देखो, क्लियर तरीके से, फिलहाल तो इसे नोट कर लो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें इतना ट्विस्ट यहाँ नहीं है जितना ट्विस्ट यहाँ पे है, कि प्रायोरिटी ना होने में कैसे करते हैं। और प्रायोरिटी ना हो, अगर यहाँ पे 100-100 रुपए दोनों सेम होते, मैं तुम्हें बता देता हूँ, अभी 100 रुपए है प्राइस एक का प्रेफरेंस शेयर का, और एक का कितना था, 10 रुपए था, अंतर है इसीलिए मैंने कैपिटल लिया है। अगर दोनों प्राइस 100 के होते, भाई इसके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 15,000, इसके कितने हैं, 1,000, इसके हैं 1,000 प्रेफरेंस शेयर, इसके हैं 15,000, है कि नहीं है। अगर दोनों के प्राइस 100-100 होते तो मैं इस नेट एसेट्स को यहां लिख रहा होता 1,000 + 15,000, जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है कि दोनों के नंबर ऑफ शेयर जोड़ो और फिर उनसे डिवाइड कर दो, आपका आंसर जो एक आएगा वो दोनों के लिए माना जाएगा, इक्विटी के लिए वही और प्रेफरेंस के लिए वही। लेकिन फर्क क्या हुआ कि यहाँ पे पेड अप कैपिटल चेंज हो गई। अब पेड अप कैपिटल जब चेंज होती है तो जो इनका आंसर बाहर आता है ना कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर, उसको नीचे रखते हैं टोटल में, और फिर जो उससे आंसर आता है उसे स्टेप वन बोलते हैं, और दूसरा आंसर हम ऐसा निकालते हैं। वो सिर्फ इस प्राइस के चेंज होने से मुझे अलग करना पड़ा एग्जांपल से, बाकी सेम था, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, तो आगे का रास्ता थोड़ा आसान कम है, समझना जरूरी है। हाँ टफ है, मतलब मैं आसान कम बोलता हूँ ना, देखो कहने का तरीका दो तरीके हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ बहुत हार्ड है तो आप भी हार मान जाओगे, नहीं करोगे। फिर आसान कम है तो आप समझोगे, थोड़ा सा तो मुश्किल है ही, थोड़ा सा अच्छे से संभल के चलना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अब हमें जब प्रायोरिटी वाली बात आ गई ना, और उससे पहले आप थ्योरी पढ़ लेना सारी सारी, जो मैं बोला है 12.4 पेज पे मिलेगा इंग्लिश वाली बुक में, तो उसे पढ़ना ढंग से कि क्या बोला गया, प्रायोरिटी जब होती है हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। बच्चों जो वीडियो देख रहे हैं वो भी सुन लें, वो भी अच्छे से करें, रास्ता थोड़ा कठिन है, हल्का फुल्का थोड़ा सा ध्यान रखे कर रहे हैं, ठीक है। बाय बाय। और यही चीज़ आपको MCQ में पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का, शॉर्ट में करना पड़ेगा। बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।